महिला अपराधों के खिलाफ कानून में बदलाव और लोगों को जागरूक करना मकसद। 24 दिन सफर के बाद आज साइकिल यात्रा शिवपुरी पहुंची। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कानून में बदलाव और जन जागरूकता के लिए साइकिल यात्रा पर निकले समाज सेवी का शिवपुरी आने पर जोरदार स्वागत किया गया। 1400 किलोमीटर लंबी यात्रा तेलंगाना के नलगोंडा जिले से शुरू की गई है। समाज सेवी सारी कोटेश्वर कृष्णा राजू महिला दिवस पर नलगोंडा जिले से साइकिल यात्रा लेकर निकले हैं। वे 5 अप्रैल को अपनी यात्रा दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन पर खत्म करेंगे। बुधवार शिवपुरी पहुंचने पर लोगों ने उनका स्वागत किया। कृष्णा राजू महिलाओं बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर जन जागरूकता और इन मामलों में होने वाली सजाओं के कानून में बदलाव की हिमायत कर रहे हैं। वे अपनी मांगों का मांग पत्र दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रपति को सौंपेंगे। सारी कोटेश्वर कृष्णा राजू की सरकार से मांग है कि राजू के मुताबिक हर राज्य में फोरेंसिक जांचों के लिए प्रयोगशाला स्थापित की जानी चाहिए। राज्यों में पूर्ण शराबबंदी लागू हो। पोर्न वेबसाइट्स को बंद किया जाए। महिला बच्चों से संबंधित अपराधों के आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द हो। फास्ट ट्रैक अदालतों में फोरेंसिक रिपोर्ट जल्द पहुंचे। छोटे बच्चों से होने वाले यौन शोषण के मामलों में आरोपियों के इनकाउंटर को वैध दर्जा दिया जाए। सभी को नमस्कार, मेरा नाम सरिकोंडा ऋषिकेश्वर राजे, मिर्यालगुड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी, नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना स्टेट। मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 8 तारीख को ये साइकिल यात्रा स्टार्ट किया। मेरा गांव मिर्यालगुड़ा से शहीदों के स्तूप से लेकर राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक ये साइकिल यात्रा निरसन के जैसे मैं कर रहा हूँ। देश में महिला और बच्चों के खिलाफ में बढ़ते हुए अत्याचार और बलात्कार के विरुद्ध में ये साइकिल यात्रा मैं कर रहा हूँ। ये मेरा डिमांड्स है, जब अत्याचार होता वो निवेदन आने तक कम से कम 30 से 40 दिन लग रहे। इसीलिए हर एक स्टेट में हर एक राज्य में FSL फोरेंसिक साइंस लैब की संख्या बढ़ाना है। वो तो सुमोटे के जैसे लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर एक स्टेट गवर्नमेंट में साथ ही साथ 5 से लेकर कम से कम 10 FSL को लेके आना है, वो तुरंत लेके आना है। और अभी तक बड़े बड़े शहरों में आए फास्टैग और पोक्सो कोर्ट, वो फास्टैग और पोक्सो कोर्टों को जिला लेवल में भी लेके आना है। और शराब का नियंत्रण पॉलिसी जल्दी से जल्दी हर एक स्टेट में चालू करना है। और पोर्न वेबसाइट को पूरा देश में बैन करना है। और जो मूवीज में अश्लील को सेंसर बोर्ड वाले सारे निकालना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में महिला कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट में महिला कमीशन, ये इसे विषय के ऊपर एक मीटिंग लगा के कुछ कानून में बदल करने का आवश्यक है। वो कानून में पूरा बदल करने हैं। अभी ऐसे है, हमारा कानून में सजा भी मिल रहा है और बचने का रास्ता भी मिल रहा है। इसमें से बचने का रास्ता पूरा निकाल के कानून को थोड़ा कठिन करके और नया कानून को भी लेके आए। नहीं, ये डिमांड्स के ऊपर मैं 5 अप्रैल तारीख तक मैं दिल्ली राष्ट्रपति भवन का जाने हूँ। मैं जाने के बाद ये राष्ट्रपति भवन को राष्ट्रपति माननीय श्री राष्ट्रपति भवन जी की मेरा डिमांड्स के ऊपर जे का थोड़ा निवेदन बनना है। ये निवेदन देना है राष्ट्रपति जी को। मैं 5 अप्रैल तक मैं दिल्ली पहुंचता हूं। मैं अभी तक मेरा 1400 किलोमीटर्स हो गया मेरा, और बाकी 450 किलोमीटर है। मैं 5 अप्रैल तक मैं राष्ट्रपति भवन को पहुंचता हूं। मैं